कोर्ट का काम है, कोर्ट साक्ष्य देखती है और बिना साक्ष्य देखे कोई फैसला नहीं लेती है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत सारे साक्ष्य हैं जिसके आधार पे उनको बेल नहीं मिल रहा है। लालू यादव ने कहा है कि जो सरकार दिल्ली में बनी है बहुत ही कमजोर है, किसी भी समय टूट सकती है, ऐसे में अपनी पार्टी वर्कों से कहा है कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं, देखिए ये लोग लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। संविधान हाथ में लेके लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना एक बात है। संविधान का सम्मान करते तो आज जनादेश को स्वीकार कर चुके होते। आज अब उनको अभी भी लगता है कि पता नहीं कब हमको सत्ता में आने का मौका मिल जाए। एनडीए फुल बहुमत के साथ सरकार चला रही है और ये 5 साल तक जैसे पीछे पूरा हुआ है उससे भी अच्छे से पूरा करेगी। और सर, बिहार में जो सबको कह रहे हैं कि रिजर्वेशन विरोधी है, जब से ये सत्ता में आई है 25% रिजर्वेशन कम कर दिया है, उस पर बीजेपी कुछ बोल भी नहीं रही है। रिजर्वेशन का सही मायने में कोई सम्मान करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। संविधान का जो सम्मान करता है, जो माथे लगा के रखता है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोग तो संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान पॉकेट में रख लिए हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, ये तो सिस्टम को जेब में रखे हुए हैं। ये इंडिया अलायंस वालों ने पूरा संविधान ही जेब में रख लिया। तो जो सिस्टम को जेब में रखता है वो कभी भी सिस्टम का सपोर्टर नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, हम एनडीए के लोग हैं और हम लोग संविधान के प्रत्येक शब्द का हम सम्मान करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।